नमस्कार साथियों, मेरा नाम अबुल कलाम, यूट्यूब चैनल सुरसल कलाम में आपका स्वागत है। मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से फोटो या डॉक्यूमेंट्स को साइज को कम करेंगे ताकि आपको फॉर्म भरने में जो है दिक्कत ना आए, और अब सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे तो आपका 100% अपलोड हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आ जाना है, अपने बिलो ऐप को ओपन कर लेना है। जैसे कि देख पा रहे हैं आप, जब भी इसको मतलब काम करने के बाद फिर छोड़ देंगे, दोबारा करेंगे तो लॉग इन करने के लिए मांग रहा है। तो यहाँ पर दो रजिस्टर मोबाइल नंबर फिल करना है और पासवर्ड। विस्तृत वीडियो बन चुकी है कि कैसे लॉगिन करना है, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप कर लेंगे। हम लॉगिन करके फिर आगे बताते हैं कि आपको जो फोटो अपलोड करने में परेशानी होती है, क्रॉप नहीं होते तो कैसे करेंगे, या कैसे आप किसी डॉक्यूमेंट्स या फोटो के साइज को कम करेंगे और कैसे अपलोड करेंगे, पूरी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। हो सकता है कि आप फॉर्म 7 में तो बता नहीं है डॉक्यूमेंट्स, लेकिन 6-8 इस समय जो है डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, लेकिन अपलोड आपका नहीं हो रहा, तो कैसे अपलोड करेंगे, पूरी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। तो हम ले चलते हैं आपको किसी फॉर्म में, मान के चलिए फॉर्म नंबर 6 भरना है, तो इस पर आ जाते हैं। उसका फॉर्म 6 पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो है मतदाता का डिटेल्स तो फिल करेंगे, लेकिन यहाँ पे चूज फाइल, यहाँ पे करना क्या है अपलोड, ये देखिए आप, अपलोड वन रिसेंटली अनसाइन, मतलब बिना साइन का पासपोर्ट साइज का कलर फोटो जिसका साइज इतना चाहिए। तो होता है कि एक्चुअल में आप किसी से फोटो लेते हैं, जैसे मतदाता से, या फिर मान के चलिए आप एज ए पब्लिक किसी अदर वेब से अप्लाई करते हैं, तो कैसे क्या करेंगे। जैसे चूज फाइल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहा है, एक टेक फोटो, मतलब तुरंत आप रिसेंटली ले सकते हैं, और फ्रॉम गैलरी, मतलब गैलरी से। टेक फोटो पर जैसे ही क्लिक करेंगे, मान के चलिए हम एक फोटो लेकर के आपको दिखा देते हैं एग्जाम्पल के लिए, ये इसको हम ले लिए, एक कॉपी है, लेकिन आपको फोटो पे आप लेंगे, फिर हम इंसर्ट कर लेंगे। उसका ध्यान देखते हैं कि आगे पीछे, पहले हम लोग क्या करते थे, इधर से क्लिक करके क्रॉप करते थे, लेकिन अभी क्रॉप हो ही नहीं रहा है। आप फोटो आगे भी जैसे कर सकते हैं, लेकिन क्रॉप नहीं हो रहा है। तो अब अगर इंसर्ट करेंगे तो पूरा आ जाएगा, देखिए अभी रनिंग होने के बाद आपको यहाँ पर शो भी होगा। और किसी का होता है कि रनिंग होने के बाद शो भी नहीं होता है, कारण यह है कि इसका साइज 2 MB से कम होना चाहिए, मैक्सिमम 2 MB। हो सकता है कि अभी जैसे हमने लिया, उसका साइज 2 MB से अधिक हो जाएगा तो फिर यहाँ पर अपलोड नहीं होगा। तो कम था इसलिए अपलोड हो गया, यहाँ पर दिखा भी देते हैं आपको, अगर थोड़ा कम था, लेकिन ये है कि हमें तो इतना अपलोड नहीं करना है, क्योंकि अगर ऐसे ही फोटो लेंगे तो अच्छा नहीं आएगा ना, क्योंकि जब फोटो आप लेते हैं तो साइड का भी आ जाता है, तो उसको कैसे अपलोड करना है ये जानकारी दी जाएगी। तो चाहे फॉर्म नंबर 6 भरते हैं आप, तो सबसे पहले एक फोटो अपलोड करना होता है, फिर क्या एड्रेस प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना, जैसे आधार कार्ड भी कर सकते हैं, और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए भी आप क्या करेंगे, अपना कोई सर्टिफिकेट या फिर आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं। पूरी जानकारी फॉर्म नंबर 6 भरने के लिए बता दिया गया। हम यहाँ पर करेंगे कि अगर आपका अपलोड नहीं हो रहा है तब क्या करेंगे, जैसे कि मैंने अपलोड हो गया, आपका नहीं हुआ तो क्या करेंगे, कैसे अपलोड करना चाहिए, उसका सही तरीका क्या है। तो यहाँ पर भी जैसे कि देख पा रहे हैं बर्थ डिटेल्स हैं, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में यहाँ सिलेक्ट डॉक्यूमेंट्स में पूरी लिस्ट दी गई है, इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई सर्टिफिकेट 10th और 12th का यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। पासवर्ड भी, पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट जो जिनका अगर है तो वो तो कर ही सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, कैसे अपलोड करेंगे, सबसे पहले क्या करना है आपको, अपने मोबाइल से स्क्रैन क्या करना है, वो जो भी डॉक्यूमेंट्स हो या फोटो उसको ले लेना है। मान के चलिए हमने ले लिया, अब क्या करना है, इस फोटो पे आ जाएंगे, आप गैलरी से भी आ सकते हैं। तो अब हमें यहाँ क्रॉप करना है, एडिट पर क्लिक कर लेंगे। एडिट पर क्लिक करने के बाद सपोज आपका डॉक्यूमेंट्स है तो इतना तो पूरा होगा नहीं, कमी चाहिए, जितना डॉक्यूमेंट्स मतलब आपका रहेगा उतना ही आपको लेना है। इसलिए यहाँ जो देख रहे हैं बटन क्रॉप वाली, इसको क्या करेंगे, क्रॉप करेंगे। क्रॉप पर क्लिक करने के बाद अब हम क्या करेंगे, आगे पीछे इधर या कहीं से भी छोटा बड़ा कर सकते हैं, जैसे ऐसे करके देखेंगे, आगे पीछे करके कर सकते हैं, इतना तो कर लेंगे। फिर क्या करना है हमें, ओके कर लेना है, ठीक ना, आप इतना कर लेंगे। उसके बाद मान के चलिए फिर आपने किसी को क्या फोटो ले लिया, फोटो का हाफ फोटो ले लिया है, मान के चलिए आपने फोटो लिया होगा, ठीक ना, उसका भी हम बता देते हैं, क्योंकि उसका भी मान के चलिए फोटो है, ठीक ना, यहाँ पर भी फोटो शो होगा। तो आपको फिर उसी तरह एडिट पर क्लिक कर लेना है, ठीक ना, बिल्कुल अगर देते नहीं किए तो अच्छा सा कमेंट भी करें। क्रॉप करना है, क्रॉप में करेंगे कि जितना फोटो, हाफ फोटो का तो साइज जानते कितना है, उतना ही आपको लेना है, और आगे पीछे इतना लेने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि एकदम पीछे भी कॉपी दिख रहा हो या जहाँ पे लिए कहीं से तो उस साइड का कुछ दिख रहा हो, नहीं, आपको सिर्फ फोटो दिखना चाहिए, हाफ फोटो, तो उतना ही साइज कर लेंगे, फिर आप यहाँ पर सेट कर लेंगे। अब करना है कि अब हम आते हैं ग्रुप में, अब हम आ गए हैं एक में चूज फाइल पर क्लिक करेंगे तो आप, तो पहले क्या करना है आपका फोटो और डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि आधार कार्ड या कोई आपका सर्टिफिकेट है, तो उसका पहले साइज कम कर लेना है। कैसे कम करना है, क्रॉप करके कर लेंगे डायरेक्ट, वो साइज आपको दिखा भी देंगे कितना MB का है, ध्यान रहे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे गैलरी पर आ जाना है। गैलरी में आने के बाद जैसे कि हम इसको कट कर लेते हैं, पहले
गैलरी में आने के बाद यहाँ पे होगा क्या कि जितना भी फोटो है रिसेंटली हमने किया है यहाँ पर शो होगा, आपको दिखा भी देंगे। अभी हम क्रॉप किए थे तो यहाँ पर जो है शो हो रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर रिसेंटली वाला जो है शो होगा। अगर आप चाह रहे कि नहीं पूरा हम देखें तो थ्री आइकन पर क्लिक कर लेंगे, और जो भी अपलोड करना है उस पर क्लिक करना है। जैसे कि मान के चलिए इसको अपलोड करना होगा, इस पर क्लिक करके फिर आपका ओके आ सकता है, मेरा सिलेक्ट का ऑप्शन है, आकर के इंसर्ट कर लेंगे। लेकिन आप चाह रहे कि नहीं मेरा जो पीछे भी है तो यहाँ पर क्लिक कर लेना है थ्री आइकन पर। उसके बाद आपको आ जाना है इमेज पे। इमेज पे जैसे ही आइएगा तो उसके बाद यहाँ पे इमेज का जो है कैमरा से आपने लिया है, तो कैमरा पर आने के बाद सारी फोटो जो आपको शो होगा जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह का ले लिए हैं। अब यहाँ से मान के चलिए कि ये फोटो है लेना है या फिर अदर डॉक्यूमेंट्स है, तो उसको सेम उसी प्रोसेस से सिलेक्ट क्या करना है, क्लिक करना है। उसका सिलेक्ट का यहाँ ऑप्शन आएगा, यहाँ पे टिक भी लग जाएगा, एक बार में एक ही चीज आप कर सकते हैं, एक ही को कर सकते हैं। फिर जैसे सिलेक्ट पर करेंगे तो आपको वेट करना है, यहाँ पे आगे पीछे कुछ नहीं होगा, देखें मतलब कुछ नहीं, राइट क्या करना है ओके पर क्लिक करना है, क्योंकि हमने क्रॉप पहले कर दिया, ठीक ना। क्रॉप कर लेंगे, क्रॉप कर चुके हैं पहले, अभी हम मेरा यहाँ पे अपलोड होगा। लेकिन आपका अगर नहीं होता अपलोड तो क्या करेंगे, या फिर जैसे कि आपने फोटो लिया फिर क्रॉप किया, तो क्रॉप करने के बाद क्या करना है ये आपको बता दें, ये फाइनल है, ठीक ना। जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरा अभी नीचे शो हो रहा है, तो हम क्या करेंगे कि हमने क्रॉप किया, चाहे वो फोटो हो या सर्टिफिकेट हो, तो वहाँ पे साइज देख लेंगे कि 2 MB से कम होना चाहिए। तो इस मोर पर जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद तो डिटेल्स आएगा ऑप्शन, डिटेल्स पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख पाएंगे इसका साइज कितना है, 712 KB है, एक मतलब 1024 KB बराबर 1 MB होता। तो यहाँ पर ये कहा गया है गाइडलाइन में कि 2 MB से कम होना चाहिए, मान के चलिए 1500 KB है, 2000 KB तब भी चलेगा, ठीक ना, मतलब 2 MB से अधिक नहीं होना चाहिए। तो साइज चेक कर लेंगे, डाट फिर जिस तरह अपलोड करने के लिए आपको बताया उसी तरह कर लेंगे। इसके अलावा भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके बताएं, आपके कमेंट का 100% जवाब दिया जाएगा। साथ ही वीडियो को लाइक, अच्छे से कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी चैनल पर यूजफुल वीडियो अपलोड होगी इसकी जानकारी आपको मिलेगी। चलते हैं वीडियो को समाप्त करते हैं।